नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार इंडिया में और मैं हूं आपके साथ रक्षंदा खान। गोवा के मुख्यमंत्री और पूर्व रक्षा मंत्री रहे मनोहर पर्रिकर की लंबी बीमारी के चलते निधन होने पर जहां सारा देश गम में डूबा हुआ है, वहीं सिद्धार्थनगर जिले के समाज सेवी, भाजपा कार्यकर्ता और मुस्लिम समाज के लोगों ने मोमबत्ती जलाकर उनकी फोटो पर पुष्पांजलि अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी है। देखिए ये रिपोर्ट। गोवा के मुख्यमंत्री और पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर की लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना भी की गई। श्रद्धांजलि देने आए लोगों का कहना था कि एक सामान्य नागरिक का जीवन जीने वाले मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर को खोकर देश को बहुत बड़ी क्षति हुई है। एक सादगी से भरे और असाधारण व्यक्ति के व्यक्तित्व के धनी माननीय स्वर्गीय श्री मनोहर पर्रिकर जी व्यक्ति नहीं थे। उन्होंने इस समाज में एक ऐसे व्यक्तित्व का एक आचरण प्रस्तुत किया है कि पूरे समाज को, पूरे देश को उनसे सीखना चाहिए। इतनी ऊंचाई पर पहुंचकर, जिसकी आदमी बहुत सारे लोग परिकल्पना नहीं कर पाते हैं, वहां पर पहुंचकर एक सादगी भरा जीवन जीना ये आदमी के लिए बहुत कठिन है। तो ये सादगी वास्तव में उनकी एक सबसे बड़ी ताकत थी और उस सादगी के परिचय पर, उसके बल पर उन्होंने इस देश को बहुत कुछ दिया हमारे। तो ऐसे व्यक्ति के रूप में आज हम लोग श्रद्धांजलि सभा, ऐसे व्यक्ति के लिए हम लोग श्रद्धांजलि सभा मना रहे हैं और पूरा देश दुखी है और उस देश के साथ साथ सिद्धार्थनगर के सारे निवासी दुखी हैं और इसके अलावा हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते हैं। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, यही हमारी और हमारे सिद्धार्थनगर निवासियों की कामना है। समाचार इंडिया के लिए राकेश यादव की रिपोर्ट।